नमस्कार दोस्तों, आपसे पूछेंगे इस वीडियो में 25 सवाल और उसके जवाब बताने के लिए आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर वन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसके जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय आपको मिलेगा। समय ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए समय स्टार्ट। इसका सही जवाब है चाइना, चीन। आगे सवाल नंबर, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है तूफान का। आगे सवाल नंबर तीन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका जवाब आपको सोचना है। सॉरी, इसका टाइमिंग नहीं सही हो पाया। इसका सही जवाब है थार। आगे सवाल नंबर चार, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा असम। आगे सवाल नंबर पाँच, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम से पूर्व। आगे सवाल नंबर छः, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब होगा शिप्रा। आगे सवाल नंबर सात, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सोचिए। इसका सही जवाब होगा चांदी, सिल्वर। आगे सवाल नंबर आठ, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही जवाब है मीथेन। आगे सवाल नंबर नौ, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? सही जवाब है लोकमान्य तिलक। आगे सवाल नंबर दस, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही जवाब है 6 वर्ष के लिए, राज्यसभा के 6 वर्ष, लोकसभा के 5 वर्ष। आगे सवाल नंबर 11, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? अदर नेम भी पूछ रहा है आपसे। तो समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आगे सवाल नंबर 12, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। आगे सवाल नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, आगे पूछेगा ही क्योंकि प्रथम वाली बात है। आगे सवाल नंबर 13, तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसका सही जवाब देने के लिए आपके पास समय है, स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब होगा अवधि। आगे सवाल नंबर 14, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। इसका सही जवाब होगा उदय भानु हंस। आगे सवाल नंबर 15, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई?
ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब होगा एथेंस, जो कि यूनान में है 1896 में। आगे सवाल नंबर 16, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? जवाब सोचिए। इसका सही जवाब होगा 4 वर्ष। आगे सवाल नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा लुसान, स्विट्जरलैंड। आगे सवाल नंबर 18, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? इसका सही जवाब है 5। आगे सवाल नंबर 19, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा माइकल फेल्प्स। आगे सवाल नंबर 20, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? इसका सही जवाब है टोक्यो, जापान। आगे सवाल नंबर, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? काफी पॉपुलर है, आपको जवाब पता है दीजिए। कमेंट करके आप अपना जवाब दे सकते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करने में थोड़ा सा भी कमी नहीं कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। हमें लास्ट में यह ज़रूर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन। आगे सवाल नंबर 22, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सही जवाब होगा इसका सन 1900 ईस्वी में। आगे सवाल नंबर 23, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा कर्णम मलेश्वरी। आगे सवाल नंबर 24, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये भी मेरे एग्जाम में पूछ चुका है, आपके भी एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा महर्षि दयानंद। आगे सवाल नंबर 25, कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है? इसका सही जवाब होगा हरियाणा। और दोस्तों वीडियो, पिछले वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, उसका जवाब हम नहीं बताए थे। इस्पात नगर भारत के किस नगर को कहा जाता है? इसका जवाब कुछ दोस्त अधिकतम दोस्त लोग ने सही जवाब दिए, कुछ दोस्त लोग जवाब इसका गलत दिए। इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। एक सवाल और आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। तो चलिए उस सवाल को पूछते हैं। तो दोस्तों वे सवाल अब डिस्प्ले बोर्ड पर देख पा रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करके हमें बताएं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।